हाय गाइड्स, आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ जो कि दो मूवी जो है बड़ी मूवी जो है क्लैश होने वाली है दोस्तों। ये है भूल भुलैया जो कि पहली फर्स्ट पार्ट आई थी उसके अंदर अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार थे, लेकिन अब जो है कार्तिक आर्यन जो है दोस्तों। अब देखते हैं ये कॉमेडी मूवी है कहाँ तक जो है खरे उतरते हैं उसके ऊपर निर्भर है, उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। नाम तो रखा ही गया है भूल भुलैया टू, लेकिन अक्षय कुमार की जगह ले पाते कि नहीं ले पाते, क्योंकि ये मूवी क्लैश हो रही है बड़ी मूवी। अब एक मूवी है जो कि ज़बरदस्त जो है एक्शन में देख सकते धाकड़, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा हॉलीवुड की मूवी सात लड़कियां जो है एक मूवी आई थी जिसमें जो है बंदूक चलाती हैं लड़ाई करती हैं, सेम उनका एक्शन इसके अंदर वैसे ही दिया गया है जो कि सबसे अलग है। जैसे लग रहा है, मैंने भी ट्रेलर देखा जैसे लगा कि मैं हॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ, तो ये मूवी से हमें उम्मीद है कि बॉलीवुड में कुछ तो न्यू रखी जाएगी और ये मूवी चलने की आशा है। तो दोस्तों ये मूवी बहुत अलग तरह से बनाई है कि एक लड़की जो है एक बहुत बड़े मतलब मिशन पर रहती है और वो मिशन जो है पूरा करती है, जो कि पूरा का पूरा जो है कंगना रनावत जो है एक अलग लुक में और एक अलग एक्शन में। तो दोस्तों आप लोग भूलिएगा मत, अब जो भी हुआ हमें वो क्या बोली आपको क्या बोली वो भूल जाओ, इनकी मूवी जो है आप लोग ज़रूर देखने आओ। क्यों मालूम है? क्योंकि हमें ज़रूरी है बॉलीवुड को वापस प्लेटफॉर्म पर लाना, क्योंकि बॉलीवुड एक समुंदर है, समुंदर में जो भी रहता है ख़त्म नहीं होता, पानी कितना भी गायब कितना भी चला जाए, इसके लिए बॉलीवुड को भूलना नहीं चाहिए। और बॉलीवुड ही हमें बोलना सिखाया है चलना सिखाया है, इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए। कभी भी टर्न लेके बॉलीवुड आ सकता है, अच्छे अच्छे एक्टर यहीं से हुए हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो चाहे रजनीकांत हो हर एक, तो फिर इसे भूलना नहीं चाहिए क्योंकि बॉलीवुड एक समुंदर है, समुंदर के सामने कोई भी आए बह जाएगा। तो ये जो है मूवी आ रही, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है 20 तारीख को आइए और ये दोनों मूवी देखिए कैसे लगा, कैसे आप लोग को लगता है, आप लोग उसके बारे में दूसरे को बताइए। मैं तो देखूँगा ही, उसका रिव्यू देखिए आप लोग। बस दोस्तों इतना ही, आटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।